इंश्योरेंस एक दूसरा सवाल है लेकिन सरकारी अस्पताल या ऐसी संस्थाएं प्राइवेट भी हों जहां गरीब को फ्री इलाज मिल जाए समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा गरीबों को फ्री इलाज मिले उसको किसी भी दवाई जांच और बड़ी से बड़ी बीमारी में पैसा न दे पड़ना पड़े पर। और इंश्योरेंस दूसरा विषय है अभी नहीं बताएंगे पार्टी तय करेगी उसी हिसाब से फैसला लेंगे मुझे ये नहीं पता है कि समाधि पार्टी कार्यालय में धारा एक कब लागू हुई थी तो इसका क्या जवाब दें हम जब हमें ये नहीं पता था कि यहाँ धारा एक लागू है अगर धारा एक लागू है तो आज फिर एफ हो जाएगी <सथिकलगारी <त>। <सथिकलगारी> आप और हम सब बैठे यहां पर तो जब समाजवादी पार्टी को और हमारी जानकारी में नहीं था कि पार्टी कार्यालय के अंदर हमें तो ये जानकारी थी वर्चुअल रैली अच्छा वर्चुअल रैली की डेफिनेशन हमें नहीं पता थी तो हमें ये लगा कि कुछ लोग सामने रहेंगे और वर्चुअली सबको भेजा जाएगी कैमरे से सबको दिखाएंगे तो जो लोग आ गए वो आ गए हमने तो किसी को नहीं बुलाया क्योंकि लीडर्स के सामने जब तक माइक ना हो और कुछ लोग ना हो तो बात निकलती नहीं है तो इसलिए वो वर्चुअल रैली थी वो लोग जो आ गए आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग ना आए और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें प्रशासन कभी भी ध्यान नहीं देगा इन्होंने स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवाओं को चौपट किया है आज गरीब को कहीं इलाज नहीं मिल रहा है ना ऑपरेशन हो रहे हैं सरकारी अस्पताल में ना दवाई मिल रही है ना जांचें हो रही है तो राजधानी में अगर ये हालत है कि हॉस्टल के बच्चे जो माँ बाप से दूर हैं और यहां पर पढ़ाई करने आए अगर उनकी देखभाल सरकार नहीं करेगी तो कौन देखभाल करेगा इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन बच्चों को अच्छा सा अच्छा इलाज और तुरंत प्रोटोकॉल के तहत जो दवाइयां उपलब्ध करानी चाहिए वो उपलब्ध कराएं